नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों फरवरी 2020 में रोहतक ARO ने आर्मी में भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस अपलोड कर दी हैं आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रूफ के साथ में दिखाऊँगा कि ये भर्ती है और कहाँ पर भर्ती है, कितनी पोस्ट हैं इसमें और यहाँ पे कब से भर्ती होने वाली है। तो मैं आपके लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, ये 10 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के बीच में होगी। अब ये भर्ती कहाँ पर होनी है ये रोहतक ARO ने नोटिफिकेशन जारी की है और इसके बारे में अभी इसमें वैकेंसीज किस किस की हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क और SKT और सोल्जर ट्रेड्समैन के बारे में हम बात करेंगे। तो इस भर्ती इन चीज़ों की होने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाइट, एलिजिबिलिटी, फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम की। तो इन पॉइंट पे मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो रैली शेड्यूल में जाएंगे। तो हम रैली शेड्यूल में यहाँ पे व्यू मोर पर क्लिक करते हैं और व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इसको डाल देता हूँ। उसके बाद में हम लोग जो है कि आर्मी की जो वेबसाइट पर एंटर कर जाएंगे। तो उसके बाद में हम जाएंगे JCS ओवर एनरोलमेंट पे, व्यू ऑल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटिंग रैली राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक फ्रॉम 10 फरवरी से 20 फरवरी 2020। तो यहाँ पर हम इसकी जो नोटिफिकेशन है आर्मी की तरफ से जो जारी की गई है उसको हमने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रोहतक, मतलब ARO रोहतक ने ये वैकेंसीज निकाली हैं। तो आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा फ्रॉम 10 फरवरी 2020 टू 20 फरवरी 2020। तो दोस्तों ये 10 फरवरी से 20 फरवरी 2020 के बीच में ये भर्ती होने वाली है। इसके लिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की जो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत। तो अगर आप रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 फरवरी से 20 फरवरी 2020 के बीच में राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में हरियाणा में आयोजित की जाएगी। तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो 12 दिसंबर 2019 से 25 जनवरी 2020 के बीच में हो रहे हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये 25 जनवरी 2020 तक चलेंगे। उसके बाद में जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपकी जो ईमेल आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो आप वही ईमेल आईडी डालना जो आपके पास में हो और उसके लिए आप खोल सकें, क्योंकि आपका जो पहचान एडमिट कार्ड है वो 26 जनवरी के बाद में उसी ईमेल आईडी पे आपके लिए भेजा जाएगा। उस ईमेल आईडी पे जो एडमिट कार्ड आएगा आपको उसी को लेके भर्ती के लिए राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सोल्जर जनरल ड्यूटी की। यहाँ पर एज लिमिट है 17.5 से 21 साल। तो अगर आप 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में अगर आपने आपका बॉर्न डेट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज हो जाएगी इस डेट ऑफ बर्थ में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी एज इसके बीच में होगी 17.5 से 21 साल के बीच में। तो यहाँ पर हाइट है दोस्तों 170 सेंटीमीटर, वेट है 50 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 सेंटीमीटर और आपके लिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन QR की, क्लास 10th पास होना चाहिए आपके लिए 45% मार्क्स के साथ में और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम ना हो। और अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से पास हैं तो आपके पास में मिनिमम ग्रेड D होना चाहिए और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम या C2 ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं हम सोल्जर क्लर्क और सोल्जर SKT की। तो सोल्जर क्लर्क और सोल्जर SKT में दोस्तों 2 साल की एज की रिलैक्सेशन मिलती है। तो यहाँ पर 17.5 से एज होगी आपकी 23 साल, मतलब 17.5 से 23 साल अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1996 से
1 अप्रैल 2002 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट भी यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स होता है, अगर जिसकी हाइट नहीं है तो आप हाइट भी यहाँ पे बहुत कम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्लर्क और सोल्जर एसकेट के लिए हाइट चाहिए ओनली 162 सेंटीमीटर। वेट और चेस्ट आपका बराबर है जितना जीडीएम है। यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्यूआर की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट आपके लिए पास होना चाहिए आर्ट्स कॉमर्स और साइंस किसी भी सब्जेक्ट से, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होना जरूरी है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स से कम ना हो। आपके पास में इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग इन क्लासेस में होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करते हैं अभी सोल्जर ट्रेड्समैन की, जो कि ईआर इक्विपमेंट रिपेयर की भर्ती है। इसमें भी एज लिमिट क्लर्क और एसकेटी के बराबर ही है, 17.5 से 23 साल। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में। हाइट यहाँ पर सेम है दोस्तों जीडी की, तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट है। वेट भी सेम और चेस्ट भी, मतलब आपका वेट 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब बिना एक्सपेंशन के आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ में हो जाना चाहिए 82 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेड्समैन के लिए ईआर के लिए भर्ती देखने के लिए आपको क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, नो किसी भी ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, और इसमें जो भी बताया गया है इसको मैं अगर पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की एट रैली साइट। तो यहाँ पर दो ग्रुप होंगे रनिंग के, आपके 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी और आपके बीम होंगे मतलब पुलअप्स। तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग और बीम होंगे आपके 10, 9 फीट डिच होगी और जिगजैग बैलेंस होगा। तो जिगजैग बैलेंस और 9 फीट डिच के लिए आप केवल नीड टू क्वालिफाई है, इसके लिए कोई भी नंबर नहीं होते, लेकिन रनिंग और पुलअप्स के लिए आपके लिए नंबर मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप में रनिंग कंप्लीट करते हैं मतलब 5 मिनट 30 सेकंड से पहले, तो आपके लिए रनिंग में 60 नंबर मिलेंगे, फुल नंबर हैं जो। और आपने 5 मिनट 31 सेकंड से और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर रनिंग पूरी की तो आपको मिलेंगे 48 नंबर, मतलब आपके 12 नंबर कम हो जाएंगे। ऐसे ही पुलअप्स में है दोस्तों, अगर आपने 10 पुलअप मारी तो आपके लिए मिलेंगे 40 मार्क्स, 9 अगर आपने पुलअप्स की तो आपके लिए मिलेंगे 33, 8 पुलअप्स की तो आपको मिलेंगे 27, 7 की तो 21, और आप 6 पुलअप आपने की तो आपको मिलेंगे ओनली 16 नंबर। तो दोस्तों अगर आप 6 पुलअप्स भी मारते हैं तब भी आपके लिए पास हो जाएंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिमार्क में आप देख सकते हैं, फॉर सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल एसकेटी कैटेगरीज कैंडिडेट्स ओनली नीड टू क्वालिफाई इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मतलब क्लर्क, एसकेटी, स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए ये जो ग्रेडिंग मार्किंग सिस्टम है ये नहीं होगा, इनके फिजिकल के जो नंबर होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं, इनका मेरिट लिस्ट रिटर्न के आधार पर ही बनती है। तो दोस्तों ये थी भर्ती की बात, अगर इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं आपके लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप अगर आपका है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप एनसीसी की हुई है आपने तो आपके लिए एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना जरूरी होगा, ABC कोई भी सही, जो कि आपके एनसीसी ऑफिसर से अटेस्टेड होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। तो आज हमने आपको बताया सोल्जर जनरल ड्यूटी एसकेटीओ क्लर्क की जो आर्मी में भर्ती निकली उसके बारे में, और ऐसी ही अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।